गोरखपुर विश्वविद्यालय की एक छात्रा को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अनियमित छात्रा घोषित करते हुए उनको विश्वविद्यालय के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसको लेकर आक्रोशित छात्रों ने संवाद भवन में पहुंचे कुलपति को देखते हुए जमकर प्रदर्शन किया। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए कुलपति संवाद भवन के पिछले रास्ते से निकल गए। इस दौरान छात्रों को पुलिस वालों ने समझा कर शांत कराया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्र नेता अनिल दुबे और राजीव यादव ने बताया। आपको भी अच्छा नहीं लगता है आपको? MBA चलो विश्वविद्यालय में कई दिनों से लगातार हम लोग छात्र संघ की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में लगातार हमारे छात्र नेता शिवशंकर गौड़ भी थे और तमाम लोग थे, पर उनको चिन्हित करके जानबूझ के टारगेट रूप से, क्योंकि वो ऐसे वर्ग से आते हैं कि जो उनके यहाँ जो गुटबाजी चलती है उससे नहीं आते हैं वो, इसलिए उनको टारगेट करके उनको निलंबित किया गया है, विश्वविद्यालय के प्रांगण में आने से प्रतिबंधित किया गया है। हम लोग चाहते हैं, वो लड़का ऐसा है कि आज तक किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया होगा, आज तक किसी को वो गाली नहीं दिया होगा, और उस लड़के को आप प्रतिबंधित कर देते हैं, ये हम बिल्कुल भी स्वीकार इसको नहीं करेंगे। हम लोग आज शिवशंकर गौड़ छात्र नेता शिवशंकर गौड़ जो पिछले 7 सालों से छात्र छात्राओं की आवाज़ बनता रहा है, उनकी समस्या को उठाता रहा है, विश्वविद्यालय की कमियों को विश्वविद्यालय को निरंतर गिराते रहे हैं, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला के बराबर रहे हैं। हमको कल पेपर माध्यम से पता चला कि शिवशंकर गौड़ को विश्वविद्यालय ने निष्कासित कर दिया है। उनको विश्वविद्यालय कह रहा कि विश्वविद्यालय में अराजकता फैला रहे हैं। उसी का जवाब लेने के लिए आज हम लोग कुलपति के पास गए तो कुलपति थे नहीं। हमको पता चला कि दीक्षांत का व्याख्यान चल रहा है हमारे संवाद भवन में, हम लोग वहाँ गए, कुलपति हमसे मिले नहीं, तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में छात्र वहाँ बैठ गए नीचे, और कुलपति को उनके व्याख्यान कक्ष में ही हमने उनको बंदी बना लिया गया, लेकिन फिर भी कुलपति नहीं आए। प्रतिकुलपति एस के दीक्षित सर, चीफ प्रैक्टर गोपाल प्रसाद आए, उन्होंने कहा कि शिवशंकर अपना जवाब दें, उस पर हम लोग विचार करेंगे, लेकिन हमारी मांगे हैं जब तक छात्र नेता शिवशंकर गौड़ को बहाल नहीं किया जाएगा, हम लोग विश्वविद्यालय कैंपस में किसी भी प्रकार से कुलपति को कोई प्रोग्राम करने नहीं देंगे।